नहीं मैं बोलूंगा द मोमेंट यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर नहीं देव नॉट द मोमेंट यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर काफ़ी अर्स हो गए यार, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज फॉर गिव मी, आई एम सो सॉरी, आई डिले वीडियोज, आई एम वेरी मच, प्लीज फॉर गिव मी, आई एम द बिग सॉरी प्लीज. खैर, आई बीन अवे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ मिलवाते हैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू उस्मान मुमताज. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस्मान भाई, तो ये माइक बहुत काम आ रहे हैं मेरे, मैं आपको देना भूल गया वापस, आई एम वेरी मच सॉरी. तो खैर, मिलवाते हैं आपको निदा रहमान से, मेरी छोटी बहन, मनहूस इंसान, बट घर की लाडली है, स्पेशली बाबा की. बेटा ये मेरे दिल की रानी. बेटा ये मेरे दिल की. अच्छा बस ना, समझ आ गई हमें. वैसे क्यों पसंद करती हो इतना बाबा को तुम? I have many reasons, Saim. क्यों नहीं अच्छे लगते होंगे? Like एक बंदा अगर आपको इतना प्यार दे रहा है, आप क्या टट्टी तो नहीं करते थे ना? मतलब गाइस चेक तो करो, लिटरली पार्टी मॉल बनाया है नीता ने. मैं स्टोर गई थी और मैंने बाबा को कहा था मुझे लेज लेके देना, वो जो होता है ना प्रिंगल्स टाइप बॉक्स में लेज होते हैं ना, सावर क्रीम एंड अनियन थे. अब वो 600 के थे और बाबा मुझे लेके नहीं दे रहे थे, ठीक है. एंड देन आगे से कोई और सस्ते वाले चिप्स थे 300 के, वो लेके दे रहे, कहते ही वाले ले लो. मैंने कहा मुझे चाहिए वो वाले. तो फिर मेरा दिल उदास हो गया, तो कहते हैं अच्छा चलो ले लो. फिर मुझे बुरा लग गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं लेते तो आज मिलूंगी. इसका मकसद क्या था स्टोरी का? मैं चिप्स ले लूंगी आज. बाबा जी मुझे एक बात बताएं, निदा और आपके दरमियान एक इमोशनल ब्लैकमेल चलता है, आपको करती रहती है हर वक्त, आप क्यों मतलब इसके वो बन जाते हैं विक्टिम हर बार? मेरी एक ही बेटी है, मैं क्या करूं? हैं? क्या करूं? क्या मतलब क्या? एक ही बेटी है बेटा, करना पड़ता है. वो होते हैं ना कहते हैं सारे कि कोई किसी को अनकंडीशनल लव नहीं देता. बाबा मुझे अनकंडीशनल लव देते. पेरेंट्स देते हैं ना? बाबा मुझे अनकंडीशनल. मामा दोबारा मारे इसे. मेरे तुम तो ये मामा जो है लाड दिखाती हैं एक्स्ट्रा मुस्तफा को और मुझे, तुम्हें कैसा लगता है? अनकंडीशनल लव. अच्छा वैसे तुम्हारा और मामा का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, मतलब बाबा के साथ वो प्यार और वो सब कुछ, मामा के साथ लाइक हर वक्त बस लड़ाई और बिटर सीट सा माहौल है. ऐसी बात नहीं है. जब भी ये देखें गाइस आप, जरा देखिए तो सही, ज्यादा लड़कों के साथ क्योंकि लड़कों को कुत्ते वाली बेइज्जती होती है हर वक्त, तो तुम्हारी वजह से. तो आप मेरी नहीं करती कि तुम मेरे बेटों की बेइज्जती कराती हो? मैं बाबा हमेशा, मैं आपको क्या कहती हूँ कि कुछ नहीं होता, छोड़ दें छोड़ दें, मैं हमेशा इनकी साइड लेती हूँ ना, मैं हमेशा जब भी कुछ होता है मैं हमेशा इनकी साइड लेती हूँ. दो भाई निधा और मामा जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जस्ट लाइक डैड एंड हर, बट ये प्यार सेल्डम ही नजर आता है. रखो जो कि आप विटनेस कर रहे हैं ना मामा और निदा के रिलेशनशिप में, वो ये है कि ना निदा ऑलवेज ऑलवेज स्टील्स मामा स्टफ. मेरा रात को वसाची वाला में लगाया, मुझे सूट किया, वो भी मुझे वापस करो, मेरे बर्थडे का प्रेजेंट था. अब मुझे सूट पहले कर चुका है, अब मेरे पास ही रहेगा, मैं नहीं देती. मामा यार आपने पहले मुझे दिया था, कितनी गलत बात है, किसी को चीज दे के दे लेते नहीं हो तुम, ये करती हो क्या? देखो गाइस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो लिसन टू मी, लिसन टू मी. You know how it should be. तो मैंने हक किया होगा, मैंने या टॉम फोर्ड लगाया होगा. तो ना आप टॉम फोर्ड नहीं है मुझे, क्योंकि उसका रेप्लिका कहीं से है नहीं, आपने बाबा से फाड़ा. मुझे वो वाला दे देना जो बोलूं, जो था मुझे आमिर अंकल ने दिया था.
لڑائی ایسے ہو نا اچھا چلو ماں ہے تو لڑے گی اچھا کھانا نہیں کھا رہی اچھی نہیں لڑائی کس پہ ہوگی یہ میک اپ نہیں اس کا نہیں والا کرنا میری چیز نہ اٹھاؤ اپنی چیز دو لے کے چلیے میرے روم میں آئیں گی میرا میک اٹھا کے بھاگ جائیں گی مجھے پیسہ کرتی ہے Very nice relationship. So yes, that is what Nida and Mama are every day, every single day. Nida, is 500 rupees se aap mujhe leke de rahi ho na KFC? Tum road pe focus kar sakte ho yaar. Aaram se chala raha hu. Meri jaan pal ke yu na jo khana. Dana. Meri jaan mujhse dur na jana. Dana. میں ابھی نا اپنا کیا کہتے ہیں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا کہ جا کر ندا کو بلاتے ہیں اینڈ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں اسے اینڈ کوشش کرتے ہیں وہ اوپر آ جائے کیونکہ اس کے کمرے میں بیٹھ کے میں ریکارڈ کرتا بٹ لائک یہ میرا کمرہ جو ہے نا ایک میس بنا ہوا ہے لائک لک ایٹ دس دس بلڈی اگلی جھلنے لگا ایسے تو ندا میں نے سوچا تھا کہ لائک نا اوپر میرا کمرہ ابھی گندا ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا وہاں میں سیٹ کر لوں صفائی تھوڑی کر لوں لیکن تم نے یہاں گانے لگائے ہوئے ہیں اور میرا دل چاہ تمہارے ساتھ ڈانس کرنے کا تو لیٹس ڈانس Guys, this is our second song and we are dancing to it. گلا گوڑیاں فرام دا مووی یہ کون سی مووی گائز یہ پارٹ جو ہے نا یہ مجھے بڑا پسند ہے پرسنلی اس میں ہاں ندا کو بھی اس میں انیل کپور رنویر سنگھ فرحان اختر اتنا مزے کا ڈانس کرتے ہیں نا ابھی ہوگا اب ہم
मल्हारी करने लगी। तुम्हारी डिकारे में डालूं, माइंड नहीं करोगी? बस थक गया मैं। मैं खुद। तुम बताओ, तुम्हें और किस चीज का शौक है? फैशन का ऑब्वियसली, ड्रेसिंग अप। तुम्हें याद है तुम्हारी लाइक एक फैशन वीडियो टाइप से मैंने बनाई थी टर्की में? हाँ, अच्छी थी वो काफी। आई फील लाइक हमें एक और बनानी चाहिए। हैं? बनाएं? आईडिया वैसे बनानी है। चलें? आ जाओ। जल्दी करो ना, फैशन वीडियो बनानी है। यार निदा आओ तो सही ना, कम ऑन जल्दी कपड़े चेंज करो, कपड़े चेंज। निदा जल्दी पहनो ना यार, जल्दी यार कर रही हूं यार, समझती है। हमारे पास टाइम होता आराम से, एकदम से लास्ट मिनट प्लान बना लिया, लास्ट घंटा प्लान, सही है ना? Guys, एक इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ, कि साइम के साथ काम करने का बहुत मजा आता है। Big brother Saim Rehman. But guys, if you like this video, to like, share, subscribe, and bell icon. Of course, comment if you like it. Yes, thank you. See you in the next episode of Milwatay Hain Aap. Allah Hafiz. Guys, आप लोगों में अपनी pizza socks दिखाती हूँ. Oh, pizza नहीं, French fries. Pizza. बेकार मारने लगी है ये. मार भी दो ना। निदा बेचारी को ठंड लग रही है, कस ठंड है काफी, मैंने खिड़की भी खोली, खिड़की खोली हुई और मेरे गूज़बम्प्स। So, look at my lips. I don't do anything with them. कैमरे की बात करती है। नहीं तो बताओ।